लाइव झारखंड में दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, गोल्ड लोन, ब्लू डेल, इंडिया बगान, आईएएस कुंदार, एनआईपीएस स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और जीरो वरी प्राइवेट लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे करेंगे राष्ट्र को संबोधित। 26 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को निर्वाचन आयोग ने किया स्थगित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख 30 जून तक की घोषणा की और भी किए कई महत्वपूर्ण ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के दौरान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए विशेष पैकेज देने की मांग की। शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को दिल्ली पुलिस ने हटाया, धरना दे रहे लोगों की हुई गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को दिया आदेश, सड़कों पर निकलने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें। झारखंड सरकार ने 25 मार्च को होने वाली गठबंधन दलों की संयुक्त बैठक की स्थगित। जिला प्रशासन ने दवाई दोस्त के सभी काउंटरों में 20 रुपये में सैनिटाइजर और 10 रुपये में मास्क उपलब्ध कराया। बेकार में घरों से निकलने वाले लोगों पर पुलिस हुई सख्त, काटे जा रहे हैं चालान। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर देश भर के 30 राज्य हुए लॉकडाउन, अब मध्य प्रदेश में भी लगा कर्फ्यू। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हासिल किया बहुमत। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिकी नागरिकों ने शुरू किया महामृत्युंजय मंत्र का जाप। रिलायंस ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जारी किया 251 रुपए का रिचार्ज प्लान। कल से 3 दिनों के लिए पूरा उत्तर प्रदेश होगा लॉकडाउन। मलेशिया में फंसे 114 भारतीय यात्री चेन्नई एयरपोर्ट पर लाए गए सुरक्षित। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम फिर से हाजिर होंगे नए बुलेटिन और अपडेट के साथ।